वेलकम टू ईशानी वीडियोस। अभी आपने इश्क में मरजावा में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव तो देखे ही होंगे। अभी यहाँ पर जो करंट ट्रैक में चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। करंट ट्रैक के मुताबिक यहाँ पर अब दीप ने आरोही को पूरी तरह से कैद कर दिया है और उसके बीच में आने से मना कर दिया है, लेकिन दीप को क्या पता अब वो अपने ही जाल में फंसते जा रहा है। अब चलिए आपको बता देते हैं सबसे बड़ा राज और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो कि आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। वो बॉस जिसकी वजह से सब डर रहे थे वो अब दीप के सामने आ चुका है और दीप के साथ में हाथ मिला के काम कर रहा है, लेकिन बॉस इतना शातिर है कि वो दीप को भी मोहरा बनाकर काम कर रहा है। लेकिन दीप को लग रहा है कि आरोही है मोहरा जो कि हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आखिर में आरोही जाके दीप की मदद करेगी दीप के मुसीबत में पड़ने की वजह से। अब यहाँ पर आरोही को मना किया है दीप ने कि वो उसके पीछे ना आए और उसे कसम दी है कि देखते हैं तुम मेरी कसम और मेरी आज्ञा का कितना मान रखती हो। और यहाँ पर दीप की बात मानकर आरोही रुकी हुई है, लेकिन अचानक से उसके मन में कुछ और आता है, वो वहां से चली जाती है। और यहाँ पर दीप के आने वाले प्लान के बारे में कुछ ना पता होते हुए भी फिर भी यहाँ पर पूरी तरह से वो दीप के साथ में जुटी रहने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आने वाला है कि दीप को उसके साथी ही धोखा देंगे। दीप बनना चाहता है सबसे ज्यादा यहाँ पर ताकतवर, लेकिन उसको क्या पता उसके साथ में जो उसके साथी काम कर रहे हैं वही उसे धोखा देंगे। और आने वाले ट्रैक में यही देखने को मिलने वाला है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं ये ट्रैक देखने के लिए ये कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। वैसे यहाँ पर जो टीआरपी रेटिंग चल रही है इश्क में मरजावा की 1.0 चल रही है, और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आने वाले एपिसोड को देखने के लिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों शेयर कर दीजिए, किसी भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।